यहाँ पे देख ली, ये साइकिल रही, ये बाइक रही, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी आ सकती है, पर इसके बाद कुछ ठीक है। उसने सही कहा है, मेहनत मेहनत। उधर बताओ वो फैक्ट्री वहाँ से लेके बताओ पीछे कम से कम 1000 मीटर यहाँ। आप सब कैसे हैं, आई होप सब अच्छे होंगे। सर आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, टाइम पे हो गया 10:41 और आज हमने दोनों अपनी चीज़ लगा ली। और वो देखो नहीं भाई, इसमें मैंने अभी अभी सीट को चेंज किया, उसके बाद अब इन दोनों को धोने वाला हूँ। पहले इसका फिर पता है ये दिक्कत ज़्यादा दे रही है इसके लिए, ये प्लास्टिक जब पहले था आप बेल्ट किया हुआ नॉर्मल यूज बाहर आ चुकी है, और ये भी ऑलमोस्ट बाहर है, अब तो इसे क्लीन कर सकते। टायर अभी भी यार ठीक है, आज या कल सही करवा दूंगा इसको। चेन का तो यार हालत खराब है इसकी, यहाँ पे कुछ लगा है, चलो उनके लिए ये है। हमारे रोडों को संभालना इतना मुश्किल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे आवाज़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और कुछ चीज़ अब टाइम हो गया, 1 बज गए। गाड़ी एकदम क्लीन हो चुकी है, और इसके बाद हमारी साइकिल एकदम परफेक्ट क्लीन है। अभी 2 जगह जाके आया गाइस, उन्होंने तो कल का बोल दिया, पता नहीं क्या होगा, पर यार बहुत मुश्किल से है उस चीज़ से लगना, पता है ये सारी चीज़ बहुत। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, पर तो भी ठीक है। चुके इसको क्लीन करने के, पानी से स्मेव पूरा करना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, फर्स्ट टाइम मैं नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा। मैं घड़ी और साइकिल को दोनों को धोने के बाद यार नंबर तो क्लीन हो गए मेरे, और तो सारी चीज़ ठीक है, बीबी खराब है इसकी और पानी। उधर बताओ वो फैक्ट्री वहाँ से लेके बताओ पीछे कम से कम 1000 मीटर यहाँ से भी नहीं दिखेगा, बहुत दूर तक है पूरी एक फैक्ट्री। और ये हमारी, ये दिस मॉन्स्टर बाइक वही हमारी ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या। बिल्कुल ये बात तो ठीक हो गया, अभी कैसे देख लो एकदम क्लीन से, देखो कितना डिफरेंस आ गया उसके बाद, देख इसका कलर भी चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो अब इससे सही कराने की बात करेंगे। तो यार आज का दिन काफ़ी बढ़िया गया, मैं सबसे पहले जॉब पे गया, वहाँ पे मैंने 2-3 ट्राई की, नहीं हुआ, उसने बोला कल आना, देखते हैं कल क्या करता है क्या बोलता है। इस टाइप को हमने फ़ोन किया, फिर पता नहीं क्या कल के बारे में बता रहा था। दाढ़ी अभी छोटी छोटी हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई, पर ठीक है। इस बुक को जानते हो, रिच डैड पुअर डैड, किसी का सपना होती है, और मेरे हिसाब से लाइफ में इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो है आपको जानता नहीं तो कोई नहीं रखता, तो उसमें आपको सबसे पहले काम, या तो काम करो या बढ़िया मेहनत करो, मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, सच बताता हूँ। बात करते हैं वहाँ जाने की, तो मैं जाके आ गया हूँ 2 फैक्ट्री में देख गया, अकाउंटिंग की जॉब, पर दोनों जगह एक ने तो कल का बोला, एक तो बोला है देखेंगे, ठीक है भाई देख लेना,
तुम्हारी जो हो बता देना। इसने सही कहा है, मेहनत मेहनत मेहनत। आप किस तरह की मेहनत करते हो आप पे डिपेंड करता है। आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको स्मार्ट वर्क सिखाता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आप जरूर सक्सेस होंगे। ये भाई मेहनत करके 15,000 कोई नहीं छोड़ता, पर उसे कमाने में उसे बढ़ाने में सारी की सारी आपकी फॉर्मेलिटी होगी। तो आज के अभी तो टाइम हुआ क्या 6:23, जो कि आज तारीख है आपको बताइए 18 तारीख है। तो यार ये भी महीना चला जाएगा धीरे धीरे, पर आज के लिए बस बताइए। तो आज शाम तक तो यही प्लान था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि जो चीज़ है यार फिर फ्लो में नहीं आते, फिर ठीक नहीं लगता, मैंने उसे छोड़ दिया। तो कभी और देखते हैं।